देश में कोरोना वायरस का संक्रमण और मौतों का सिलसिला जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से होने वाली मौतों और संक्रमण में कुछ कमी आई है। देश भर में कुल 3,576 मौतें दर्ज की गई है और संक्रमण के 3,11,325 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को 3.66 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले थे और 3,754 लोगों की जान गई थी। संक्रमण में कमी की वजह से कम जांच हो सकती है क्योंकि इस दौरान कुल 14.74 लाख जांच हुई, जबकि रोजाना 18 से 19 लाख जांच हो रही थी। मौतों की संख्या में थोड़ी कमी राहत भरा संकेत माना जा सकता है। बता दें कि देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 37,13,243 है। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार सुधर रही है। बीते 24 घंटे के दौरान 3,35,645 लोग स्वस्थ हुए हैं। 74% स्वस्थ होने वाले उन्हीं 10 राज्यों से है जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने का निर्णय किया है। दायर याचिका में राजधानी में भयावह होती कोरोना संक्रमण के चलते निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार को पहले महामारी से निपटने पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए इस पीठ से संपर्क करने को कहा है। सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक की मांग को लेकर आन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के 4 मई के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में इस मामले की सुनवाई 17 मई तय की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। IG कश्मीर ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। बता दें कि इससे पहले उप जिला की पथराड़ा पंचायत के जंगलों में लोगों ने रविवार देर शाम को कुछ संदिग्धों को देखा था। इस पर पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान चलाया था। दिन भर चले इस अभियान के बाद सुरक्षा बलों को कुछ नहीं मिला। कोविड काल में रेलवे ट्रैक पर सांसों को लेकर दौड़ती ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्रतिदिन एक रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लगभग 4,700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में रिकॉर्ड 831 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की। भारतीय रेलवे वर्तमान समय में मौजूद चुनौतियों का सामना करते हुए देश के विभिन्न राज्यों की मांग पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान तहत 295 टैंकरों में 4,700 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। इस अभियान तहत अभी तक 121 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई हैं। इसके अलावा कर्नाटक के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने मार्ग पर है। झारखंड के टाटा नगर से निकली यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की बेंगलुरु में डिलीवरी करेगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत 29 से 31 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 24 से 27 पैसे तक बढ़ी है। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.27 रुपए जबकि डीजल का दाम 81.73 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.61 रुपए व डीजल की कीमत 88.82 रुपए प्रति लीटर थी। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।